तो आपने हमारा वीडियो पहले देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण वाला अभी आया नहीं है तो आ जाएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल पर KSY हमारा चैनल है, उसको आप देख लेना, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना है। ठीक, अब आज बात करेंगे आहार नाल के ऊपर। ठीक है, भोजन का पाचन कैसे होता। तो भोजन के पचने के तीन प्रोसेस हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहले है अंतर्ग्रहण, माने यहाँ पर भोजन कैसे प्रवेश करता, मुख के अंदर कैसे जाता, तो इसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण पहला काम। फिर हमने कहा पाचन, पाचन क्रिया, पाचन है ये क्रिया है। अब तीसरा होता है अवशोषण, अवशोषण ये चलिए एक प्रोसेस आ गया। ठीक, अगला आता है बहिक्षेपण। ठीक है, अवशोषण ये हो गया। ठीक, तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण, हमने कहा ये बीच में स्वांगीकरण का और दे सकते हैं, नहीं तो बाद में हम देंगे। चलिए बहिक्षेपण के दे रहे हैं, उसके बाद देखेंगे बहिक्षेपण। ये बहिक्षेपण ये प्रोसेस है पाचन क्रिया के अंतर्गत। बहिक्षेपण ये हमने देखा, और फिर एक स्वांगीकरण, ये प्रोसेस है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, स्वांगीकरण। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, भोजन का यह अंतर्ग्रहण कैसे होता, तो अंतर्ग्रहण कैसे होता है, सबसे पहले भोजन को हम मुख में रखते हैं। अब जैसे ही मुख में रखते हैं तो आपका मुंह स्वतः ही चलने लगता है, आपका मुंह चलने लगता है, आप भोजन को चबाने लगते हैं। जैसे ही रोटी का टुकड़ा आपने मुंह में रखा तो पाचन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। रोटी का टुकड़ा है, आप क्या करने लगते हैं, उसको चबाने लगते हैं, माने पाचन का जो कार्य है मुख से प्रारंभ होता है। पूछा जाता है कि भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। ठीक है ना, ये लिखा है ठीक है, माउथ से शुरू होती है। जैसे भोजन मुख में रखा, भोजन का पचना प्रारंभ। ठीक, अब भोजन के आपने मुख में रखा, फिर यहाँ पर दूसरा जैसे लिखा हुआ है, ये लिखा है टीथ, यहाँ पर ये टीथ लिखा है, टीथ लिखा। अब दांतों का कार्य प्रारंभ होता है। दांतों का कार्य क्या है, भोजन को चबाना, उसको लुगदी बनाना, भोजन को चबाना। और फिर अगला काम शुरू होता है इसका, जैसे जीव का कार्य, जीव का कार्य क्या बताया, ये माउथ है, टीथ है, टंग। माउथ में भोजन रखेंगे, इसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण कहते हैं। और जैसे ही मुख को मुख में भोजन रखेंगे, दांत अपना कार्य प्रारंभ करें। अब दांतों का कार्य क्या, भोजन को चबाना है, पीसना है। ठीक है, चबाना और पीसना। फिर जीव का कार्य क्या है, तो जीव का कार्य है भोजन में लार को मिलाना। अब हमने कहा थोड़ी देर के लिए, कहें जैसे आटा है, आटा है और भून लिया जाए और कहा जाए आपका इसको खाइए, तो आप कहेंगे इसको खाने कैसे, ये तो हमारे मुंह से चिपक जाता है, जीभ से चिपक जाता है, अंदर कैसे ले जाए। तो जैसे आटे में पानी मिलाते हैं तभी तो रोटी बनेगी, तो ऐसे ही हम रोटी का टुकड़ा लिया अपने मुंह में रखा है, दांत पीसने पीसते हैं, चबाते हैं, और जो लार मिलाई जाती है, लार में 90% पानी होता है। जब द बाटर, द क्वांटिटी ऑफ बाटर इज 90% फाउंड इन सलाइवा, तो सलाइवा में 90% पानी है। अब वो पानी है, उससे वो रोटी की जो पिसी हुई रोटी है उसकी लुगदी बनती है, जीव के द्वारा। ठीक है ना, और ये लार को मिक्स करने का कार्य जीव का है। चलिए, तो भोजन में लार मिलाना ये काम किसका है, जीव का है। फिर अब हमने कहा लार मिला दी, तो उसमें एक एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम है तो वो क्या, टाइलिन है माल्टोस
मैं जो कार्बोहाइड्रेट या मंड आप लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है? माल्टोज शुगर में कर देता है। माने आपने मंड लिया, हमने कहा मंड या कार्बोहाइड्रेट है चेंज इनटू माने माल्टोज, माल्टोज शर्करा में चेंज हो जाता है। जो आपने रोटी खाई है, रोटी कन्वर्ट किस में हो गई? माल्टोज में हो गई, इन प्रेजेंस ऑफ टायरिन। ठीक है, टायरिन एंजाइम है, टायरिन है एंजाइम है, जितने एंजाइम हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन मेड फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से बने होते हैं, जितने एंजाइम हैं, और इसमें हम बताते हैं टायरिन एंजाइम होता है। ये स्टार्च या जो मंड है, रोटी आप खाते हैं, उसको माल्टोज शर्करा में चेंज कर दिया जाता है, और ये टायरिन का काम है। तो इतना कार्य। अब इसमें हमने बताया, अभी बात करें कि लार होती है, चलिए इसको अभी लार के बारे में बताऊं आपको। तो बताया अभी हमने लार के बारे, इसमें लार होती है, लार में बताया 90% पानी होता है। ठीक है, अब लार में 90% पानी है, तो लार आती कहां से? लार ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां होती है, स्लागर ग्लैंड्स होती है, तो इनको ग्रंथियां कहते हैं। तीन जोड़ी लार ग्रंथियां, ठीक है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिनमें है नंबर एक पैरोटिड, ठीक है ना, पैरोटिड कहते हैं कर्णमूल, पैरोटिड या कर्णमूल, कर्णमूल ग्रंथि है। ठीक है, फिर कर्णमूल अधोजिह्वा, यहाँ सबलिंगुअल, सबलिंगुअल कहते हैं, हिंदी में अधोजिह्वा कहते हैं, आपकी समझ में आ जाए तो। ठीक है, अधोजिह्वा, ठीक। फिर एक आता है, तीसरी है अधोहनु, अधोहनु या सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी ये कर्णमूल, अधोजिह्वा, अधोहनु। अब कर्णमूल कहाँ है? माने ये तीन जोड़ी है, ये कितनी है? तीन जोड़ी, तीन जोड़ी होती है, तो तीन जोड़ी है, तो हमने कहा ये जैसे कर्णमूल है। अब जहां आपके कान है, ठीक है, कानों की जड़ कहीं पर, यहाँ हमारे भीतर अंदर देखेंगे कि इनके रास्ते कहीं मुख में मिल रहे हैं, जैसे कभी दवा डालते हैं कान में, डालते हैं आंख में, डालते हैं नाक में, डालते हैं सब मुंह में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर मिल रहे हैं, तो उसको हमने कहा लास्ट में जाके जहाँ जबड़े हैं उसके पास कानों की जो ग्रंथियाँ हैं वह मिल रही, और वो दोनों साइड में, एक इधर दोनों साइड, तो उसको हमने कहा ये पैरोटिड ग्लैंड्स है, कार्डबूल है। कभी कभी लोगों के इनमें सूजन आ जाती है, तो कहते हैं कन्फेड सूज गए ठंड के दिनों में, ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह खाने से, तो उसको कह देते हैं कभी कभी कन्फेड कह देते हैं आइसक्रीम खाने से, या कह देते हैं टॉन्सिल हो गए, तो टॉन्सिल भी हो सकते हैं। तो जहाँ जैसे टॉन्सिल है, कहाँ है, गले में अंदर है, वहीं पर कर्णमूल ग्रंथियाँ हैं, उनकी जड़ें मिल रही हैं, वहाँ से एक जोड़ी है दोनों साइड में, और उनसे लार निकलती है। दूसरा बताया अधोजिह्वा, आपकी जीभ कहाँ है? जो जीभ है, हम जीभ देखते हैं, जीभ निकालते हैं, जीभ के अंदर मतलब उसके अधर तल पर, जीभ के नीचे जहाँ जीभ जुड़ी है उसके नीचे, आप देखिए वहाँ से लार निकल रही है थोड़ी बहुत, ठीक है ना, जहाँ जीभ है, जीभ मान लो जीभ ही है, तो एक इधर और एक इधर दो साइड में, नहीं आप जैसे आपको कोई स्वादिष्ट भोजन दिखाई दे जाए तो आपके जीभ के नीचे से लार निकलने लगती है, तो हमने कहा एक जोड़ी है। तीसरा अधोहनु, सब मैक्सिलरी, जहाँ पर दांतों के जबड़ा, हमारे दोनों जबड़े हैं जिनमें दांत लगे हुए हैं, उन जबड़ों के लास्ट में, ठीक है ना, जबड़ों के लास्ट में एक जोड़ी क्या है, ये स्लेवा ग्लैंड्स, इनको अधोहनु या सब मैक्सिलरी कहते हैं। अब
हमने बताया अधोहनु या सब मैक्सिलरी, तीन जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं। पूछा जाता है कभी कभी मुख में कितना जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, तीन जोड़ी होती हैं, नंबर एक पैरोटिड, नंबर दो सब लिंगुअल और तीसरी सब मैक्सिलरी। ठीक है, तीन जोड़ी हैं, कैडमूल, अधोजिह्वा, अधोहनु। ठीक है, अब आगे अब हम दांत की बात करेंगे, क्योंकि हमने ये अभी लार जो बताया, जीभ है, टंग है, इसमें लार ग्रंथियां होती हैं, इनसे लार निकलती है। और अब दांतों के बारे में एक बार, अब टीथ के बारे में, ठीक है ना, टीथ के बारे में बताएंगे कि टीथ है दांत या टीथ, आपने पढ़ा होगा टीथ के बारे में। टीथ यह दांत है, डेंटिन ऊतकों के बने होते हैं, डेंटिन ऊतक सबसे कठोर होते हैं और ये दांत की रचना जैसे देखते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे करके, ठीक है, ये दांत की रचना है और दांत में ये सबसे इसके ऊपर एक लेवल, ये ऐसे करके ये इनेमल की परत होती है, ये इनेमल की परत है, इधर ये गम्स मतलब मसूड़ है, जड़ है, ये क्या है, रूट है इसकी, दांत की जड़, ठीक, और ये यहाँ पर यहाँ से ये यहाँ तक है, ये हो गए मसूड़े, मसूड़ा बोलते थे, गम गम कहते हैं या मसूड़ा बोलते हैं, तो ये, और ये जड़ है, और ये माने सीमेंटम, ये पदार्थ होता है सीमेंटम, सीमेंटम से ये लगे रहते हैं, चिपके रहते हैं, फटते नहीं है, ठीक है ना, एक तरीके सीमेंट की तरह, हाँ सीमेंटम होता है ये सीमेंटम। और ये बताया इनेमिल किसकी है, इनेमिल की परत होती है, इनेमिल, तो इनेमिल की ये परत है, इनेमिल है, तो ये सबसे कठोर परत है। ठीक है, जैसे घोड़े की टाप होती है, घोड़े की टांगों जब चलता है घोड़ा सड़क पर टांगे में, तो शाम के समय देखें चिंगारी निकलती है, तो वो माने पत्थर जैसे टकराते हैं, ऐसे हमारे दांतों में इनेमिल की परत है वाइट कलर की, जो इसको किससे बचाती है, माने इसकी सुरक्षा के लिए। अब इसमें बताया ये डेंटिन ऊतकों से बना, माने डेंटिन ऊतक होते हैं, टिश्यू है डेंटिन, कठोर ऊतक है और इससे ये बना है, ठीक, डेंटिन ऊतक है ये बताया। और इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फास्फोरस के लवण, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो इस तरह के फॉस्फेट है इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर होता है। अब इसमें एक ये कैविटी होती है, ये इस ऊपर, ये तो जड़ है, ये टॉप है, इसको शिखर बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको, शिखर, ये शिखर है, चोटी है इसकी दांत की, या ताज बोल देते हैं, ताज है, और इसके बीच में ऐसे करके आएंगे तो ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से आएंगे तो एक खाली जगह होती है, ये ऐसे करके ये खाली है, तो ये खाली जगह है, इसको कहते हैं डेंटल कैविटी, दंत गुहा, डेंटल कैविटी है ये, इसमें क्या है, खाली जगह होती है और ये जो सिराएं हैं, रक्त सिराएं हैं, वो इसके अंदर होती है, तो हमने कहा ये डेंटल कैविटी है, इसको दंत गुहा कह देते हैं, दंत गुहा, ठीक है, कैविटी कहते हैं दंत गुहा को। अब क्या होता है कि जैसे आप मंजन नहीं करते हैं, तो मंजन नहीं करते हैं, या आप कहीं बालू से दांत साफ करने लगते हैं, या मंजन नहीं करते हैं, या जब मंजन नहीं करेंगे तो यहाँ पर काले रंग का हिस्सा होने लगता है, आपने कहा कि ये दांतों में काले रंग का पारिया हो सकता है, और फिर धीरे धीरे करके ये हिस्सा नष्ट हो जाता है, ये क्षय हो जाता है और खोखले दांत दिखाई देने लगते हैं, और फिर आप कहते हैं जब हम गर्म पानी पीते हैं तो गर्म लगता है, ठंडा पीते हैं तो भी लगता है, ठीक है, दांतों में टीस उठती है, तो ये इसका कारण है कि ये दंत क्षय होता है, ठीक है, टूथ डिके कहते हैं, तो ये होता है, यहाँ खाली हो जाता है और इसमें जो जो बीन्स फैली हुई है, रक्त सिराएं हैं, उनमें ठंडा या गर्म पानी लगता है, तब आप कहते हैं बहुत परेशान है, ठीक। अब हमने कहा ये हमारे दांतों की सुरक्षा कैसे करें, तो दांतों की सुरक्षा करने से क्या है, मंजन हमें करना चाहिए, पेस्ट करना चाहिए, और ये इसका जो डेंटिस्ट है वो ये बताते हैं कि
भोजन के बाद जो है दांत साफ करना चाहिए। तो वैसे नहीं, अगर मान लो ब्रश ज्यादा रगड़ेंगे खाली तो भी ये इनेमल की परत छूट जाएगी, बालू से करेंगे तो भी, या आपका बंजर खुरदरा ज्यादा है उससे करेंगे तो उससे भी छूट सकती है धीरे धीरे करके। तो हमें दांतों को बचाना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी साइकिल होती है उसमें ग्रीस तेल डालते हैं, रिपेयर करवाते हैं, और नहीं करवाते तो साइकिल खराब हो जाती है, चलती नहीं, तो हमारे दांत भी लॉन्ग लाइफ रख रहे हैं। तो ये दूसरी बात, अब हमने कहा जो दांत हैं कितने प्रकार के, हमने ये दांतों की रचना बताई, ठीक। तो बताया दांत के प्रकार कौन कौन से, चार प्रकार के दांत हमने पढ़े हैं। तो अब चार प्रकार के दांत हैं, कौन कौन से दांत हैं? अब जैसे दांत के बारे में पढ़ा है कि जैसे जो मोलर है, प्रीमोलर है, इंसीजर है, कैनाइन है। तो अब हमने कहा इंसीजर, अब इंसीजर दांत कौन से हैं, ठीक है। कृंतक कौन से कहलाते हैं, तो बताया इसमें दांतों के प्रकार। सबसे पहले बताया ये नंबर एक है इंसीजर, ठीक है ना, इंसीजर है। तो कैनाइन है, तो इंसीजर कहते हैं कृंतक दांत, कृंतक दांत। तो ये बताया चार प्रकार के दांत होते हैं। वैसे दांत हैं दो प्रकार के माने गए, हमने कहा एक तो दूध के दांत होते हैं टेम्परेरी अस्थाई दांत होते हैं, एक स्थाई दांत होते हैं। तो बताया एक दांत कैसे होते हैं, अस्थाई या दूध के दांत बोलते हैं। सबसे पहले बच्चे के, जो छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल के होते हैं, उनके दांत निकलते हैं, तो हमने कहा ये अस्थाई दांत टेम्परेरी है। तो उसमें से कुछ दांत उखड़ जाते हैं, और तो छोटे बच्चों के 20 दांत होते हैं, कितने होते हैं 20, और 20 दांत होते हैं बड़ों के, जो वयस्क हैं उनके 32 दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके 28 दांत होंगे। देखिए सबसे पहले जैसे 20 दांत हैं तो उसमें 8 दांत तो गिर जाते हैं, 12 दांत रहते हैं, ठीक है ना, जो आगे तक रहते हैं 8 दांत गिर जाते हैं। और उसमें बताया कि उम्र के हिसाब से जो बच्चे हैं उनके 20 दांत हैं, और उसके बाद जैसे आप हैं हाई स्कूल में आपके 28 दांत होंगे, ठीक। जो वयस्क मैंने बताया जिनके 21 साल के बाद 4 दांत और निकलते हैं उन्हें अकल के दांत कहते हैं, ठीक है ना, अकल की दाढ़ निकलती है या अकल के दांत निकलते हैं तब 32 होते हैं। तो अब हमने कहा जैसे कृंतक है, कृंतक या इंसीजर, तो ये आगे वाले सामने के 4 दांत हैं, ऊपरी जबड़े में 4 है, निचले जबड़े में 4, ठीक है ना। तो हमने कहा ये 4-4 8 दांत होते हैं, कितने हुए, मतलब एक जबड़े में 4 दांत हैं, ये 4 दांत एक जबड़े में। तो बताया 4 दांत है ऊपरी जबड़े में है, निचले जबड़े में 4 दांत है, ठीक है, कुल 8 दांत हो गए। इसके बाद रंध्रन, ये कैनाइन, ये कैनाइन, तो कैनाइन कहते हैं चीरने फाड़ने वाले दांत, ठीक है। अब देखा होगा शेर, चीता, कुत्ता, इनके नुकीले दांत देखे होंगे, कैसे दांत आपने देखा होगा, ऐसे करके नुकीले दांत होते हैं, ऐसे करके ये नुकीले दांत होते हैं। तो वो नुकीले दांतों से क्या शिकार को पकड़ते हैं और नोच लेते हैं। तो हमने कहा ये चीरने फाड़ने वाले दांत हैं, जैसे मांसाहारी जो जानवर होते हैं, शेर है, चीता है, कुत्ता है, सियार है, लोमड़ी है, तो उनमें ये दांत अधिक विकसित रंध्रक दांत हैं, ये कैनाइन अधिक विकसित होते हैं। लेकिन मनुष्य में ये ज़्यादा विकसित नहीं होते, हाँ कुछ नुकीले होते हैं, ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा देखेंगे ऐसे नुकीले करके थोड़े होते हैं। जब आप गन्ना खाते हैं, गन्ने को चूसते हैं, तो क्या है वो छीलना, गन्ने को जो छीलने की प्रक्रिया है वो ये रंध्रक दांत हैं, इनसे ही आप छीलेंगे, ठीक है ना। तो गन्ना वैसे नहीं छील सकते, अगर मान लो रंध्रक दांत नहीं हो साइड में, तो ये दो दांत हैं, कितने, तो ऊपरी जबड़े में दो दांत हैं, ये 4 दांत हैं। तो अब 4 ऊपरी जबड़े में, 2 और 2 नीचे,
छह दांत मतलब इस तरह से हो गए, तो दो और दो चार दांत हो गए, एक मतलब दो कैसे है, एक इस साइड में होगा, एक इस साइड में होगा, दो ऊपर है दो ही नीचे है, इस तरह से ये दो दांत अग्र चरोड़क दांत है, ये छह दांत है, तीन इस साइड में होंगे और तीन इस साइड में होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि तीन तीन होगा, चलिए तो अब बताए दंत सूत्र क्या है। दंत सूत्र मानव में दंत सूत्र क्या है, ये आता है डेंटल फार्मूला, कभी पूछ लेते हैं कि दंत सूत्र क्या है। तो अभी हमने कहा दंत सूत्र के लिए जिसे आई, आई माने इंसिजन, तो आई हमने लिखा आई, ठीक है, आई दो बटे दो, आई दो बटे दो माने दो बटे दो। फिर अगला ये कोमा लगाई ऐसे लिखे कैन सी सी एक बटे एक, सी एक बटे एक, ये हमने लिखा आई दो बटे दो सी एक बटे एक। अब थोड़ा उस पर सुधार कर लेंगे, ये प्रीमोलर पी एम पी एम पी कैपिटल एम स्मॉल, ठीक है पी एम, तो यहाँ पर दो बटे दो आए दो बटे दो। फिर एम कैपिटल एम तीन बटे तीन, एम तीन बटे तीन, ठीक है। अब हमने कहा ये कितना हुआ, दो और एक तीन, दो पाँच तीन आठ, दो और एक तीन और दो पाँच तीन आठ, माने जो आपकी जो कहते हैं जैसे नाक की सीध, नाक की सीध में एक और का जबड़े का एक हिस्सा कितना है, दो और एक तीन दो पाँच तीन आठ, माने इधर ऊपरी जबड़े में आठ होंगे और निचला नीचे वाला ऐसा ही निचले में भी आठ होंगे, ऐसे ही दूसरे साइड में, ठीक है ऊपर आठ और नीचे आठ। अब इसको हमने कहा ये या तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर करके या यहीं से मल्टीप्लाई टू कर दीजिए, मल्टीप्लाई टू बराबर ये हो जाएंगे कितना बत्तीस। तो अब एक बार समझ लीजिए फिर से, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, कहीं हो सकता है मैंने आपके आपको लगा हो नोट कुछ कर लिया हो। तो सबसे पहले हमने कहा इंसिजर माने कृंतक दांत, ये मतलब एक हिस्से में ऊपरी जबड़े में तो दूसरे साइड में दो, तो ऊपर चार दांत है कितने चार, तो ऊपर चार कौन से हैं ये, और नीचे भी चार हो गए निचले जबड़े में, इधर भी दो और दो इधर चार हो गए, तो हमने कहा चार चार आठ दांत। ये कहना है मैंने बताया एक एक दोनों और है ऊपर भी और नीचे भी, तो इसलिए एक बटे एक लिखा प्रीमोलर अग्र चवर्णक, तो ये बताया दो बटे दो माने दो इधर और दो उधर मतलब चार चार ऊपर, फिर तीन और तीन छः, तो इस तरह से इनका निकल के आएगा चार एक जबड़े में चार है दो और ये चार और ये तीन दूनी छः, इसको हम अगर योग करेंगे टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा चार छः चार दस छः सोलह, ठीक है एक जबड़े में सोलह दांत और सोलह दूनी बत्तीस, जितने दांत ऊपर हैं उतने ही नीचे, तो इस तरह से बत्तीस दांत होते हैं। तो दांतों के बारे में बताया मैंने, ठीक है ये बताया जो इंसिजर है ये केवल सामने से रोटी का जैसे टुकड़ा आप लेते हैं तो काटने का काम करते हैं, लेकिन ये दांत है जैसे खरगोश है चूहा है, इनके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, तो जीवन भर बढ़ते रहते हैं, तो इनका जैसे चूहे के दांत है जीवन भर बढ़ते रहेंगे, तो जीवन भर बढ़ते रहेंगे तो क्या करेगा, कपड़ों को काटेगा, कागज को काटेगा, किताबों को काटेगा, और नहीं काटेगा तो उसके दांत घिसेंगे नहीं बढ़ते रहे, तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएंगे मुंह खुला का खुला रह जाएगा, तो इसलिए मुंह खुला का खुला न रहे मुंह बंद हो जाए, इसलिए उसे वो क्या करता है दांतों को घिसता रहता है। खरगोश भी है खेत में फसलों को काटता रहता है।